वाहेगुरु साहिब जी। एक अदुति गुरु नानक देवा ओंकार गुर अंगद अपेवा सतनाम गुर अमर प्यारे करता राम दास गुरुवारे पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरपौ हर गोबिंद गुण खानी निर्वैर गुरु हैं श्री हर राय अकाल मूरत हर कृष्ण ते आए अजूनी तेग बहादुर राई सैपं गुर दशमेश सहाय गुर प्रसाद गुरु ग्रंथ ज्ञाना वाहे गुरु बंदन भगवाना जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए हे तेहा हों करी वखियान मूक उचरै शास्त्र खट पेंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जौ काल कृपा कराए कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। हाँ जी एक पंक्ति पढ़ दे। श्री वाहे गुरु साहेब जी राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित्र हर धन रास निरास एह बेत वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी साध संगत जियो आपां वडभागी हाँ श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठ है सब दुख जाए। सतगुरु श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी महाराज जी दे आवन सचखंड दरबार दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत प्रगट गुरां की देह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी विखे जुड़ के अमृत वेले तो ऐस वक्त तक गुरबाणी दे पाठ कीर्तन द्वारा आनंद माण रहे हाँ। लड़ीवार गुर शब्द दी विचार सबते ऊपर
गुर शब्द विचार होर कथनी बदौना सगल छार। सारिया तो श्रेष्ठ सब तो उत्तम गुरु दे शब्द दी विचार सतगुरु जी फरमाउंदे हन। सुन हर कथा उतारी मैल, शब्द दे अंदर भी सतगुरु जी ने पवित्र होण दी विचार दर्शाई है। ये मन पवित्र किवें हो सकता है? मन तन शुद्ध जपत हर माए, नाम जपन दे नाल मन शुद्ध होएगा, निर्मल होएगा। एक होर सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है, सेवा करत मन निर्मल होए। सेवा करदियां भी मन निर्मल होंदा है, शुद्ध होंदा है। जे सेवा विच निष्काम भावना होवे तो बहुत छेती प्राप्ति है। जे कामना है तां वी सतगुरु जी कहिंदे कोई गल नहीं, पुत्तर ने प्यो दे कोलों ही मंगना है। जन का प्रभ संगे असनेहो, मान मांगो तान मांगो, तान लक्ष्मी सुत देहो। होर कित्थों मंगना है? सतगुरु जी कहिंदे जे मनुख अपने किसे लोभ नू मुख रख के, किसे प्रयोजन नू मुख रखे कि सतगुरु मेरा ये कार्य सवार दियो, मैं आप जी दी सिखी तार लवांगा, मैं गुरमत अनुसार अपना जीवन ढालांगा, तां वी सतगुरु जी कहिंदे कोई गल नहीं, तू शरण तां आ, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल पदार्थ मुकत पद दीत। अपने लोभ वास्ते भी, किसे प्रयोजन वास्ते भी जे तू गुरु नू अपना मित्र बनाया है, गुरु तेनू दाता बख्शेगा, गुरु समर्थ है। एक दातार सगल है जाचक, इको इको दाता है। तुरे अगे हाथ जोड़ मंगन नो सब खलोई, सारी रचना सारी सृष्टि उदे अगे हाथ जोड़ के मंगन वास्ते खलोती हुई है। देंदा दे लेंदे थक पाहे, वो देन वाला दे ही जांदा है, लैन वाले थक जांदे हन। उदियां दातां दा सुमार नहीं है, ऐसा वो दयालु है। दाता ता देवेगा ही, मुक्ति ता उन्हें देनी ही है। गुरु दी शरण विच आउना, गुरु नू समर्पित होना, गुरु दा बख्शिया होया वाहिगुरु गुरु मंत्र सिमरन करना, इहदा मुख फल है मुक्त कर देना बंधना तो। मुक्त का मतलब होंदा छुटकारा हो जाना। छुटकारे तो भाव है भी उन्हां चीजां का प्रभाव ना पैना। असी हुण बड़े बंधना विच बन्ने हुए हाँ, बंधन मात पिता सुत नार, ये भी बंधन है। इन्हां दा जेड़ा मोह है, इन्हां विच जेड़ी पकड़ है, ये भी बंधन है। सो इस दा भाव ये होया
क्योंकि सतगुरु जी ने यह तो कहा नहीं भी तुसी घर बार छड़ के चले जाओ, तुसी माता पिता की सेवा ना करो, ये तो नहीं कहा। तुसी अपने बच्चों की वधिया पालना ना करो, पढ़ाओ लिखाओ ना, ये भी नहीं कहा। घर बारी होए वरत्या, घर बारी आण सिख पैरी पाया। सतगुरु जी आप घर बारी होके वरते, घर बारी ही सिख गुरु की सरणी में आ रहे हैं। इहदा भाव यह है, मुक्त होण दा मतलब यह है, जीवन मुक्त सो आखी है। जीवन मुक्त दा जे अखरी अर्थ करना होवे तां यह होएगा, जिदे अंदरों पकड़ खत्म हो गई, खिच खत्म हो गई, अंदरों मोह खत्म हो गया, वो जीवन मुक्त है। अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। जी अंदर पकड़ है, अंदर मोह है, अंदर खिच है, अंदर लोभ है, वो जिन्या मर्जी गप्पा मारी जावे वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ज्योदिया ही मुक्त होना यही मुक्ति है। मरण मुक्त किनू पाई, मरण तो बाद किनू मुक्ति मिलती, किन्ने वेखी है। जिहड़ा ज्योदिया ही बंधना विच ग्रसिया होया है, जीवन मुक्त घर परिवार विच रहिंदा है। दीसह सब संग रह अलेपा, नह व्यापै उन माई। वो दिसदा तां यों है भी यह तो सारिया नाल वरत रहा है, यह तो घर परिवार भी चला रहा है, रिश्तेदारियां भी निभा रहा है, समाजिक फर्ज भी निभा रहा है, पर अंदरों उनका मोह टूटिया होंदा, अंदरों बंधना तो रहत है। जदों मोह का रूप बदलेगा वो प्रेम बन जाएगा। मोह दे विच हमेशा कुछ प्राप्ति की इच्छा होंदी है, ते प्यार दे विच समर्पण होंदा है। जिवें आम कहावत है भी प्रेम अगे नेम नहीं, उत्थे समर्पण होएगा। सो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि मन जेड़ा है पहला तो सेवा करनी पवेगी, गुरु की सेवा, गुरु घर की सेवा। त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करनी, भाई गुरदास जी भी कहिंदे हन हथां पैरां दे नाल सेवा करनी। इहदे नाल सफलता है, शरीर की सफलता सेवा दे नाल है। ते मन करके सिमरन करना, जे साडा मन सिमरन विच नहीं वो गल फिर बनेगी नहीं। मन कर कबहू ना हर गुण गायो, जे मन करके कदी ओदे गुण नहीं गाए फिर गल नहीं बनेगी। जे मन करके ओदे गुण गाएगा फिर की होएगा, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए होमै बिक फैल, होहे अचिंत बसह सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समार। अज दे शब्द विच सतगुरु जी ने जो भाव रखिया है उस अनुसार आपां विचार आरंभी है, जिवें सतगुरु ने सोझी बख्शी है।
दास दे बहुत ही प्यारे सत्कार योग सिंह साहेब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहेब श्री गुरु हरकृष्ण साहेब दी महान बख्शिश है। उन्होंने संपूर्ण शब्द का पाठ आपानू सरवण कराया है। सतगुरु जी की रहमत हुई, उन्हां दी प्रेरणा हुई जो आप संगतां दे विच बैठ करके श्री हरकृष्ण साहब जी ने बख्शिश करके तरस करके सेवा बख्शी है। जो शब्द दी विचार है सरवण करन दे वास्ते, आपो अपने ख्यालां नूं बाहरों रोकिए, सावधान एकाग्र चीत होंदे हुए मन करके हाजरियां लवाइए, रसना करिए पवित्र सारे गज के आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हाँ जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, राम कले महला पंजवां, दिनो नाम कियो पवित्र। राम कली राग अंदर पंचम पातशाह पंजवें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज बख्शिश करते हैं। जदों सतगुरु ने कृपा की, दीनो नाम कियो पवित, नाम दी दात बख्शिश की सतगुरु ने, ते नाम दी ये वड्याई है, मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। पवित्रता मन की है, ते मन की है, मन साढ़े विचार हन, चंगे माड़े संकल्प का नाम ही, विचारां का नाम ही मन है। भावें विद्वाना ने मन की कई तरह नाल व्याख्या की है, विद्वान ये भी कहते हैं कि मन दो तरह का है, एक मन शुद्ध है एक अशुद्ध है। अशुद्ध जेड़ा मन, मैला जेड़ा मन है, वो मैले विचारां नूं ग्रहण करेगा, ते शुद्ध जेड़ा मन है वो चंगी विचार प्रगट करेगा। हुण आपां अपने जीवन दे विच इह वेखदे हां, जिहड़े कुछ धार्मिक रुचि वाले हन उन्हां नूं अनुभव हुंदा है, आम नूं नहीं हुंदा। जे विचारिया जावे, जदों भी मनुख किसी गलत काम करन दी सोचदा है, अंदरों उदों ही आवाज आएगी भी ये गलत है। जे गलत करेगा इहदा नतीजा दुख होएगा, आवाज आउंदी है अंदरों। उन्हों शुद्ध मन भी कहा है ते उसनों आत्मा भी कहा है। आत्मा दी आवाज जदों अंदरों सुनन लग जाए, फिर इस तो वधिया कोई होर साडा मित्र, होर साडा सलाहकार नहीं हो सकता।
पर आत्मा की आवाज सुनेगी उदों जदों असी गुरु की कृपा दे पात्र बनांगे। नाम गुरु तो प्राप्त होंदा है, नाम दाता सतगुरु है। तो गुरु घर की मर्यादा यह है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी अंदर पांच प्यारे अमृत का बाटा तैयार करके अमृत छका के नाम की दात बख्शिश करते हैं। फिर नाम प्राप्त करके उहदा अभ्यास फिर आप करना पड़ेगा, कमाई आप करनी होगी। जिवें जिवें नाम जपांगे उवें उवें साडे जो गलत संस्कार हैं, जो भैड़ी सोच है, वो दूर होवेगी। एक होर विचार है, अज साइंस ने भी ये गल सिद्ध कीती है कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, इहदे विच बहुत विचारां भरिया पईआं, चंगिया माड़िया बहुत विचारां भरिया होया है, खाली नहीं। जे तुसीं एक माड़ी विचार आपदे मन च लियाओगे, ध्यान च लियाओगे, तो लाइन लग जाएगी माड़ियां विचारां दी। जे अपने आप नूं नहीं रोकोगे तो फिर शरीर करके भी तुसीं उत्थे डिग पवोगे। जे चंगी विचार अंदर लियाओगे, जे तुहाडा ध्यान चंगियां विचारां विच जुड़ेगा तो चंगियां विचारां आउणियां शुरू हो जाणगियां। जिहड़े वड्डे वड्डे अज साइंटिस्ट हन, वैज्ञानिक हन, जिन्हां ने बड़े बड़े आविष्कार कीते हन, उन्हां दा जीवन पढ़ के वेखो, इतने वो एकागर हो जांदे सन, उस पासे इन्ना उन्हां दा ध्यान जुड़ जांदा सी कि उन्हां नूं खाना पीना भी भुल जांदा सी। जे उन्हां दा परिवार भोजन लैके खड़ा है, उन्हां नूं चेता ही नहीं, रोटी अगे पई है, ठंडी हो गई, पता ही नहीं लगता। इतनी एकाग्रता हो जांदी सी तां उन्हां नूं ओ विचार प्राप्त हुंदे सन, जिन्ना करके ओ नवे नवे आविष्कार कर दे। इस करके ब्रह्मांड खाली नहीं है, इच सारे चंगे माड़े विचार भरे हुए हैं। इसीलिए कहा है जिहड़ा अशुद्ध मन है वो बंदे नू बंधना विच पा देवेगा। मन हे द्रिविधं प्रोक्तं शुद्ध्यं चा अशुद्ध्यं चा अशुद्ध्यं काम संकल्पं अशुद्ध्यं काम विवर्जितं। अशुद्ध मन भैड़े फुरने उठाएगा, शुद्ध मन उस तो रोकेगा, विवर्जित करेगा, रोकेगा। इसलिए विद्वाना ने कह दिता भी मन हे मनुख नाए कारण बंध मोक्षो, बंध्याय विषया शक्तं मुक्तई निर्विषयम सिमृतम। के मन ही मनुखां दे बंधन ते मुक्ति दा कारण है। जेड़ा मन गलत सोच विच है ओ बंधना विच पा देवेगा, ते जेड़ा मन चंगी विचार, चंगी सोच प्रगट करता है वो बंधना तो मुक्त कर देवेगा। आवागमन 84 का चक्कर ओदा मिट जाएगा। सरोह विचार मन फुरनिया दे इकट्ठ का ही नाम है। सूखम संस्कार
ये साढ़े नाल ही जाते हैं, आए भी साढ़े नाल ही हैं, जन्मां जन्मांतरा तो साढ़े नाल ही सूखम संस्कार आए हैं। तो जे मन शुद्ध हो जाए फिर ये संस्कार मिट जाते हैं। फिर की होंदा है, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत हुआ। मन अपने असली स्वरूप आत्म स्वरूप नूं जदों जान लैंदा है उदों फिर संस्कार माड़े फुरने माड़े मिट जाते हैं, फिर जन्म दोबारा नहीं होंदा। इच्छा ही आशा ही तृष्णा ही ये जन्म मरण का अगले जन्मां का कारण है। सो सतगुरु ने कृपा की, बख्शिश की, नाम की दात बख्शिश की, दीनो नाम फिर पवित्र कर दिता। जदों नाम का सुभा है, नाम का फल है, नाम जपद्या होया मन निर्मल होएगा। यों कह लो भी नाम जल भी है, नाम साबण भी है। हुण नाम का आखरी अर्थ की है? नाम शब्द गुरबाणी विच बहुत बार आया है। नाम का आखरी शब्द है जो सदा है, सदा एक रस, ये नाम का आखरी शब्द है, आखरी अर्थ है जो सदा है, जो एक रस सदा है। ओ परमात्मा का नाम गुरु घर अंदर वाहेगुरु है, तो वाहेगुरु का अर्थ भी सदा है। वाहे का अर्थ अचरज विस्माद, जिदे बारे कुछ कहा ना जा सके। ते गुरु का अर्थ गुरु घर विच है परम प्रकाश, परम का अर्थ हुंदा दिव्य डिवाइन। अचरज जिदे वर्गा होर प्रकाश होवे ही ना, जिदी किसे प्रकाश नाल तुलना ना कीती जा सके भी ये ओदे वर्गा प्रकाश है, उन्हों परम प्रकाश दिव्य प्रकाश डिवाइन लाइट कह लो। सुरोह विचार। सो वाहेगुरु का अर्थ होया अचरज विस्माद परम प्रकाश, ते दा परम अर्थ है, एक अर्थ हो गया एक परम अर्थ हो गया। वाहेगुरु का अर्थ है अचरज विस्माद परम प्रकाश, ते एदा अगे भाव अर्थ है ओ सदा है, ते नाम का अर्थ भी सदा है। सो सतगुरु ने नाम की दात बख्शी, नाम का अभ्यास करने करके ये मन पवित्र हो गया, यदि भैड़ी सोच भैड़े फुरने भैड़े संकल्प विकल्प खत्म हो गए। हर तन रास निरास एह बित, जिन्हों नाम रूपी रास पूंजी मिल गई, वह फिर दुनियावी जेडे धन हैं इन्हों वालों वह निराश हो जाता। बित नाम तन का है। आसा माहे निराश वलाए, ते निराश का मतलब गुरमत यह नहीं है भी वह धन की वरतो ही नहीं करता, वह लंगोटी पा लेंदा है, वह इदा करता, ऐसा नहीं है। उदे अंदर पकड़ नहीं रही, उदे अंदर खिच नहीं रही, वह धन के वास्ते गलत काम नहीं करता,
ਡਾਇਓਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਨੇਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਟੇ ਬੰਦ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਉਸੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਲ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਇੱਕ ਰਸ, ਅਨਹਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸਾਂ, ਮੂੰਹ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦਬਾਈਏ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਬਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾੜਾ ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਸੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੋ ਦਬਾਓ ਨੱਕ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵ ਜੋਤੀ ਜਾਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿਰਾ ਕੋਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਕੀ ਮੂਰਤਾ। ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਅਨਹਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਰਗਵਾਬ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਤਾਲ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਐਸੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਹਦ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਹਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਧੁਨੀ ਦਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਹਦ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਾਜੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲਣੀ, ਇਉਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ। ਫਾਹਾ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜੇ, ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਜੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ।
इस तरह फिर प्रभु दे प्यारे रस लै लै के बाणी पढ़दे हन, ओदे गुण गाउंदे हन। अपने गुरदेव निवाजा, उन्हां नूं अपने गुरदेव सतगुरु ने वडियाया है, निवाजिया है, मान बख्शिया है, ये वडियाई दिती है। रहाओ आए बनियो पूर्व ला भाग, परे बख्शिश तां होई पूर्वले चंगे पागां करके गुरु दी शरण प्राप्त हुई, गुरु ने निवाजिया। पूरब करम अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जन्म जन्म का सोया जाग, जन्मा जन्मांतरा तो ये अविद्या बेसमझी अज्ञान दी नींद विच सुता होया सी, सोया मन जागाई, नाम जप जप के सुते हुए मन नू जगा लिया। गए गिलान साध के संग, सतगुरु दी संगत करके, गुरु दी संगत करके जो गलानी नफरत सी ओ अंदरों चली गई। मन तन रातो हर के रंग, फिर मन भी नाम रंग विच रंगिया गया, ते तन भी सफल हो गया। राखे राखन हार दयाल, दयालु सतगुरु जी अपने सिख दी पैज भी रखते हैं, रखिया भी करते हैं, अपनी शरण विच रखते हैं। ना किछ सेवा ना किछ काल, जो सतगुरु की मेहर हो जाए वो फिर सेवा जा कालना वाल भी नहीं वेखते, जी किन्नी कु सेवा किन्नी कु कालना है। सेवा करनी है, कालना कालनी है कि गुरु दी नज़र हो जावे। जे बंदा कहे भी मैं इन्नी सेवा कीती, इन्नी कालना काली ता मैनू ये प्राप्ति हुई, फिर गलत है। कालना कालनी है, सेवा करनी है कि असी ओदी नज़र विच ओदी निगाह विच आ जाइए। जे ये कहिए भी इहदे नाल ही सारा कुछ है, फिर नहीं, उदी कृपा दे पात्र, उदी कृपा दी उड़ीक करनी चाहिदी है। तुमरी कृपा में सूख नेरे, जदों सतगुरु दी मेहर हुंदी है ओ फिर कुछ भी नहीं वेखदे। जिन्हों उन्होंने अपना बना लिया, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कछ ना बिचारे। ये गुरु दी दया है, गुरु दी निवाजगी है, गुरु दी वडियाई है, वो ऐसी बख्शिश अपने सिख ते करदा है। कर कृपा प्रभु कीने दया, प्रभु ने कृपा कीती उन्ने ही दया कीती है। बूढ़त दुख में है काढ़ लया, असी दुखां विच डुब रहे हाँ, अनेक तरह के दुख हैं, उन्हां विच असीं डुबे हुए हाँ, दुखी हाँ बहुत ज़्यादा, पर जदों सतगुरु की शरण विच आए, बाह पकड़ गुर काढ़ लिया, फिर बुद्धि रूपी बाह फल के सतगुरु ने बचा लिया। सुन सुन उपजियो मन में चाओ, फिर जिवें जिवें असीं गुरु का जस सुनते हाँ, गुरु की वडियाई, गुरबाणी का पाठ, कीर्तन, कथा, व्याख्या, गुरु की उस्तत, उवें उवें साढ़े ते बख्शिश हुंदी है, उवें उवें साढ़े ते मेहर हुंदी है। आठ पहर हर के गुण गाओ, हे भाई अठे पहर इकत्ता लिवै, उस परमात्मा दे गुण गा,
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰਮ ਗਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰਮ ਗਤੀ, ਉਹ ਅਭੇਦਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ, ਜੋ 5 ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ, ਮਾਰਬਲ ਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ VIP ਵਧੀਆ ਸਰਾਂ 100 ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤਖਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
क्योंकि प्रबंधक कमेटी ने ही सारे प्रबंध करने हैं। ते प्रबंधक कमेटी दे प्रधान जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान जथेदार अवतार सिंह जी वही तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब प्रबंधक कमेटी दे प्रधान हैं। सो ये सारिया संगतां नूं संदेश है। दूसरा है जितने भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिख हैं कोई भी ऐसा ना रहे गुरु का प्यारा ये डेढ़ साल दे समय विच ऐसा ना रहे भी जिन्हें तखत साहब दे पटना साहब दे दर्शन ना कीते होन। डेढ़ साल विच एक बार ता जरूर दर्शन करो, हाजरियां भरो, तन मन तन नाल सेवा करो। ये दो खास संदेश पंजां तख्तां वल्लों नहीं, ये तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब वल्लों नहीं, इतने शब्द प्रवान करने। कल नूं फिर जिवें सतगुरु जी सोझी देणगे।